भारत हमेशा ही अपनी विविधता और इससे जुड़े तथ्यात्मक सच्चाइयों के लिए जाना जाता रहा है। भारत का इतिहास इतने विभिन्न दौरों से गुजरा है कि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। चाहे राजपूत राजाओं का दौर हो, या मुगलों का, या अंग्रेजों का, या फिर वर्तमान दौर, भारत भूमि की संपन्नता ही है जो दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित करती रही है। हम आज आपको कुछ ऐसे ही तथ्यों से रूबरू करवाएंगे जिसे शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं भारतीय डाक सेवा 155,015 डाकघरों के साथ विश्व के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में आता है। एक डाकघर आबादी का औसतन 7,175 लोगों को सेवाएं देता है। भारतीय डाक सेवा के शानदार उदाहरणों में एक श्रीनगर के डल झील का तैरता डाकघर भी है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2011 में किया गया था। एक और बेहतरीन उदाहरण हिक्किम का डाकघर भी है, जिसे विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर का दर्जा प्राप्त है। यह 15,500 फीट पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का भाग है। क्या आप जानते हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग में लगे तार की लंबाई धरती की परिधि के बराबर है। इसे बनाने में 2,57,00,000 लोग प्रति घंटे लगे हैं और इसका वजन 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह अभियांत्रिकी और वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इसका आधिकारिक नाम राजीव गांधी सीलिंग है, पर हर कोई इसे बांद्रा सीलिंग कहता है। इसे बनाने की समय सीमा 5 साल रखी गई थी, पर इसे बनकर तैयार होने में 10 साल लग गए। कई मछुआरों और पर्यावरणविद इस सीलिंग के निर्माण के खिलाफ थे और इन्होंने कोर्ट में कई जनहित याचिका भी दायर की, पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला सीलिंग के पक्ष में रहा। इसे बनाने की अनुमानित लागत 1999 में 6.6 बिलियन थी, पर 2009 में जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसकी वास्तविक लागत 3 गुना बढ़ गई। क्या आप जानते हैं शैम्पू एक भारतीय कॉन्सेप्ट है। शैम्पू की खोज भारत में हुई थी। यहाँ हम व्यावसायिक तरल पदार्थ की बात नहीं कर रहे, बल्कि जड़ी बूटी के इस्तेमाल की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। शैम्पू शब्द संस्कृत के चंपू शब्द से आया है, जिसका अर्थ मसाज होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी और इनके अर्क का इस्तेमाल शैम्पू के तौर पर होता रहा है। भारत में पहले औपनिवेशिक व्यापारी नहाते वक्त बाल और बॉडी मसाज करवाते थे। जब वो यूरोप वापस लौटे तो उन्होंने नई आदतों को अपनाया, जैसे बालों का इलाज, जिसे उन्होंने शैम्पू कहा। क्या आप जानते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड गए थे। तब से स्विट्जरलैंड उनके सम्मान में 26 मई को विज्ञान दिवस मनाती है। स्विस सरकार ने कलाम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से विशेषज्ञता देखते हुए उनके जिनेवा आने के बाद इसकी घोषणा की। स्विट्जरलैंड कलाम को भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक भी मानता है। कलाम 30 साल की अवधि के बाद पहले भारतीय प्रमुख थे जो स्विट्जरलैंड गए थे। इसके पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी आखिरी हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे जो वहां गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था। वह इतना हल्का था कि साइकिल पर थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरला पहुंचाया गया था। 53 साल पहले 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के सरहद पर थुम्बा में एक छोटे से रॉकेट का लॉन्च किया गया था, जहां से भारत के आधुनिक अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। वह शांत सौम्य गांव बाद में थुम्बा एक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन के नाम से जाना गया, जो बाद में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बना। क्या आप जानते हैं भारत में सिर्फ हाथियों के लिए भी स्पा है। यह रेजुवेनेशन सेंटर प्रसिद्ध गुरुवा यूरोपन हिंदू मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां ये हाथी केरल के प्रसिद्ध मंदिर जुलूस में महत्वपूर्ण रोल निभाने के लिए जाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे पहले हीरों का खनन भारत में ही हुआ था। पहले हीरे गुंटूर और कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के जमे हुए जलोढ़ में पाया जाता था। जब तक हीरे 18वीं शताब्दी में ब्राजील में नहीं मिले थे, तब तक भारत हीरा उत्पादन में विश्व में सबसे आगे था। हीरे का सबसे पहला खनन भारत में हुआ और उससे पहले हीरे की जानकारी संस्कृति मनुस्मृति अर्थशास्त्र में मिलती है। जानकारी के लिए, भारत 18वीं शताब्दी के मध्य तक 2000 सालों के लिए हीरे का सर्वाधिक स्रोत था। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।